कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और ऐसी कोशिश को कामयाबी में बदलने वाले खिलाड़ी से आज खेल जंक्शन के इस एडिशन में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और जानेंगे मात्र 14 साल की उम्र में कैसे बने वो वर्ल्ड चैंपियन। अर्जुन, एज अ गोल्फर आपके क्या क्या अचीवमेंट है अभी तक? अभी 2016-17-18 में अभी इंडिया नंबर वन है, और अभी मैंने 2016 और 2018 में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, और अभी मैं 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को खेलने जा रहा हूँ। आप 6 साल से गोल्फ में आ गए थे, गोल्फ को इंस्पायर्ड हुए गोल्फ से, और 6 साल से आप कंटिन्यू अभी तक खेल रहे हैं, तो पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? जब मैं करीबन 6-7 साल का था, तो जब हम GP में शिफ्ट हो गए थे गोल्फ कोर्स के अंदर, तो मैं लोगों को बैल्कनी से देखता था कि ये कैसे खेल रहे हैं, धूप में लगे हुए हैं। मैंने भी सोचा मेरे को ट्राई करना चाहिए, फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, फिर मेरी जागरूकता बढ़ी, फिर मैंने धीरे धीरे गोल्फ स्टार्ट किया, और बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आईं, कुछ टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं गए और कुछ अच्छे गए, तो ऐसे अभी धीरे धीरे जर्नी चल रही है। अच्छा, अगर आज जिस जगह आप खड़े हो, तो मदर फादर का कैसे आप रोल देखते हैं, कितना वो आपका उन्होंने सपोर्ट किया? शुरू से ही बहुत ही सपोर्ट रहा है। कुछ सालों में जब मैं शुरू में सपोर्ट नहीं होता ज्यादातर पेरेंट्स का, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे और मम्मी हाउसवाइफ, तो शुरू में इतना सपोर्ट नहीं था। टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। शुरू में मेरे मामा जाया करते थे मेरे साथ, और फिर अभी धीरे धीरे जैसे मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत ही सपोर्ट रहा है, जितना मैं शब्दों में बता नहीं सकता, बहुत ही सपोर्ट रहा है शुरू से। और अपने स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक एथलीट को मैनेज करना, तो मेरा स्कूल बहुत सपोर्ट करता है, उन्होंने मेरे को 2-2 ट्यूशन के साथ प्रोवाइड किया गया है, तो वो मेरे अपने गोल्फ और स्टडीज को कोप अप कराते रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें आपके रोड मैप क्या है? अभी मैं 15 तारीख को मलेशिया जा रहा हूँ, मलेशिया से सिंगापुर, वहीं से अमेरिका में 2 टूर्नामेंट, और चेक रिपब्लिक में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, आइडियल किसको मानते हैं? मैं अपना आइडियल टाइगर वुड्स को मानता हूँ, वो मेरे हमेशा शुरू से ही मेरे को बहुत ही इंस्पायर करते आए हैं। करीबन 5 साल पहले उनको इंजरी हो गई थी, फिर भी उन्होंने आके कमबैक में जीता, तो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है। तो एक खिलाड़ी को प्रिपेयर होने के लिए एक मेंटल लेवल पे भी प्रिपेयर होना पड़ता है, तो प्रैक्टिस में फिटनेस के लिए क्या क्या करती हूँ? मैं फिटनेस में जैसे बहुत सारी पावर लिफ्टिंग करता हूँ, और मैं एंडरलाइन पे बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, और अपने एंड्योरेंस पे बहुत वर्क करता हूँ, और गोल्फ पे अभी टेक्निक पे पूरा फोकस चल रहा है, और मेंटल जो मेरा मेंटल गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट के लिए, जो उस प्रेशर में झेल जाता है वही अच्छा खिलाड़ी बन पाता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन होता है जो एक एथलीट होता है। अर्जुन, अगर बात करें इंडिया की, इंडिया एक क्रिकेट नेशन, क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं यहाँ पर लोग, आपने गोल्फ को ही चुना? ज़्यादातर लोग क्रिकेट की तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने जब गोल्फ खेला तो मुझे लगा ये एक इंडिविजुअल गेम है, उसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं होती, बास्केटबॉल की तरह नहीं है और क्रिकेट की तरह नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होती, जो अच्छा खेलेगा उसी को ही चांस मिलेगा आगे जाने का, तो ये गोल्फ की सबसे अच्छी चीज़ है। इस एज में ज़्यादातर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं लाखों में से एक ही अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल फोकस रहते हैं, तो खेल जंक्शन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसके लिए ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ही छोटी बात होती है, और आपके मम्मी पापा आप पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो उस पे कायम रहिए, जो काम कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए, फोकस के साथ कीजिए, ये डिस्ट्रैक्शन क्या करेंगे, आपका करियर ही खराब कर देते हैं, बहुत गलत चीज़ होती है। अच्छा, काफ़ी जगह ये देखा जाता है जैसे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते, हालांकि वो सक्षम जरूर होते हैं फाइनेंशियली, पर कई जगह बच्चे को हुनर को नहीं पहचान पाते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि जो बच्चा कर सकता है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कि पढ़ाई नहीं, अगर इतना अच्छा नहीं और स्पोर्ट्स में अच्छा, तो उसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा पुश करा जाए, ये कि नहीं कि स्टडीज़ में पुश कर रहे हो, फिर वो स्पोर्ट्स से भी हट जाएगा ना, फिर बहुत ही दिक्कत होती है, स्टडीज़ अच्छा नहीं करेगा, फिर स्पोर्ट्स से भी कनेक्शन कट जाएगा, फिर ये होता है बस। चलो, थैंक यू अर्जुन। थैंक यू। तो ये थे अर्जुन भाटी, जो मात्र 14 साल की उम्र में वर्ल्ड गोल्फ चैंपियन बन चुके हैं, और आज खेल जंक्शन इनको काफ़ी बधाई भी देता है और शुभकामनाएं देता है इनके आने वाले भविष्य के लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कनेक्ट रहें खेल जंक्शन के साथ।